अस्सलाम वालेकुम बॉयज, तो भाई वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम लोग एक बहुत मजे की चीज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जिस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं वो हर एक कंप्यूटर यूजर के लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आज हम लोग एक मजे का माउस रिव्यू करने जाएंगे। कुछ दिन पहले आपके भाई ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कंप्यूटर गेमिंग पर शिफ्ट हो जाए। तो कंप्यूटर गेमिंग में आपके भाई को सबसे पहले एक जरूरी चीज माउस चाहिए था। मैंने बहुत ढूंढा, गूगल किया, क्रोम, इधर उधर, भाई कौन सा माउस अच्छा है कौन सा नहीं है। इतने ज्यादा माउस देख के मुझे समझ नहीं है कि कौन सा लूं। भाई आखिर में तंग आकर मैं गूगल में लिखा भाई टॉप सेलिंग माउस इन द वर्ल्ड, भाई मुझे सामने आया Logitech G502 Hero। मैंने सोचा भाई ये इतना बिका है, इसमें क्या खास होगा ऐसा जो ये इतने लोगों ने खरीदा है। तो भाई ने भी खरीद लिया है, तो भाई आपके भाई लेके आ गए Logitech G502 माउस। मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू किया जाए। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग इसका बॉक्स खोलते हैं। बॉक्स के खुलने से पहले आपको बॉक्स के आगे पीछे ऊपर नीचे के शशके करा देते हैं कि भाई बॉक्स है कैसा। बहुत ही एक प्रीमियम किस्म का बॉक्स है इसका। जब इसमें से हम लोगों ने माउस को निकाला तो मैं कहता हूँ कि मजा ही आ गया भाई। इन लोगों ने जो मैट और ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है ब्लैक में, इतना VIP, इसको हाथ में पकड़ते ही आपको फील आएगी कि भाई कुछ महंगी चीज खरीदी है, कुछ अच्छी चीज खरीदी है। तो अभी बात करेंगे इसके टॉप सेलिंग इन द वर्ल्ड होने की, क्योंकि मैंने हर एक गेमर, हर एक एडिटर के पास देखा हुआ है कि भाई ये माउस या तो वो खुद यूज कर रहा होगा या फिर उसके माउस कलेक्शन में ये माउस जरूर होगा। तो यार मैंने जितना नोटिस किया है ना, जितने भी बड़े गेमर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, एडिटर्स हो गए, ये माउस उनके साथ कहीं ना कहीं जरूर होगा। या तो वो मेन माउस की जगह यूज कर रहे होंगे या फिर उनके माउस कलेक्शन में ये माउस जरूर पड़ा होगा। तो भाई ये ऐसा माउस है जो कि हर एक गेमर, हर एक एडिटर के लिए एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जो कि हर एक बंदा इसको खरीदना चाह रहा है और बहुत सारों ने खरीदा भी हुआ है, और ये कैसे टॉप सेलिंग इन द वर्ल्ड पर पहुंचा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑप्टिकल सेंसर के ऊपर। इसमें हमें हीरो सेंसर दिया गया है जो कि 25,600 DPI तक जाता है और इतना प्रिसाइज है कि आपको कहीं पर भी गेमिंग में नीड हो या एडिटिंग में नीड हो, जितनी प्रिसाइज आपकी नीड होगी उसी तरह से ये आपको परफॉर्म करके देगा। जैसे कि मैं एक स्नाइपर लवर हूं, मैं स्नाइप करता हूं, तो अगर मुझे गेम खेलनी है और किसी बंदे का सर पकड़ना है ना, तो मुझे उसमें से बहुत ही एक प्रिसाइज जगह पर फायर मारना होगा। तो अगर आपके माउस का DPI ज्यादा है, जैसे कि इसका 25,600 है, तो अगर ये ज्यादा DPI है तो ये आपको ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा अच्छा गेम करने में या फिर अच्छे शॉट्स निकालने में। और अगर आप एडिटर हो तो आपको अगर बारीक एडिटिंग करनी है तो आपको वहां पर भी ये हेल्प करेगा। तो भाई यही वजह है कि इसको ज्यादातर लोग परचेज करते हैं और ज्यादातर लोग इसको यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी DPI ज्यादा है तो उनको अपनी एक्यूरेसी पर भरोसा होता है कि भाई ये माउस हमें कहीं पीछे नहीं छोड़ने वाला। और हाँ, अगर इससे भी कुछ तगड़ा चाहिए ना, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो Logitech G502X को। वो इससे भी फास्ट, अपडेटेड और रिफ्रेश डिजाइन के साथ आता है और साथ ही साथ उसका वेट भी इससे कम है। तो अभी दोबारा आते हैं अपने Logitech G502 पर। तो अभी बात करते हैं कस्टमाइजेबल वेट के ऊपर। भाई इसमें Logitech ने एक अलग से बॉक्स दिया गया है जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी माउस के साथ ऐसा चीज देखा है कि भाई अलग उसके साथ वेट आ गया हो। जिम में हमने बहुत वेट उठाया है पर माउस को कभी वेट उठाते हुए नहीं देखा। तो ये इसलिए होता है कि अगर आपको लाइट वेट माउस चाहिए आप उसमें से वेट निकाल सकते हो, अगर आपको हैवी माउस चाहिए आप वेट ऐड कर सकते हो। जिस तरह की आपकी नीड है आप उस हिसाब से इस माउस का वेट और स्टाइल एडजस्ट कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसमें 11 दिए गए बटन के ऊपर। भाई इसमें आपके पास 11 बटन है तो आप इसको किसी भी चीज के लिए कस्टमाइज कर सकते हो। आप इसको गेमिंग के लिए कस्टमाइज कर सकते हो, शॉर्टकट्स के लिए कि भाई एक पे स्कोप खुलेगा, एक पे फायर होगा, एक पे पीक होगा, एक पे ये, तो 11 चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही इस चीज को आप एडिटिंग में भी यूज कर सकते हो या किसी और वर्क स्पेस में जहां आपको शॉर्टकट्स की नीड है, तो आप 11 डिफरेंट चीजें इस माउस के ऊपर सेट कर सकते हो जो कि आपके बिल्कुल उंगलियों के नीचे होंगी और आप दबाते जाओगे और काम होता जाएगा भाई। तो अभी बात करते हैं इसकी RGB लाइटिंग के ऊपर, जिसमें इसके ऊपर एक Logitech का लोगो लगा हुआ है और साथ ही साथ 2-3 बार्स दिए गए हैं जिसमें लाइट दिखती है। इसमें आप 16.8 मिलियन कलर्स अवेलेबल है, जो कलर आपके दिल की मर्जी हो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। आप अपने गेमिंग सेटअप के हिसाब से इसमें कलर्स एडजस्ट कर सकते हो, जो कलर आपके जहन में आएगा वो ये माउस पकड़ेगा भाई। क्रिकेट इतना रंग नहीं बदलेगा जितना ये माउस बदलेगा। तो अभी बात करते हैं इसके डिजाइन के ऊपर। इसमें आपको Logitech वालों ने एर्गोनॉमिक डिजाइन दिया गया है। भाई नाम मुश्किल है पर काम मैं समझाता हूं। भाई डिजाइन इसका ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग टाइम गेमिंग करते हो, 5-6 घंटे, 10 घंटे, या फिर कोई काम आपका ऐसा है जो कि ज्यादा टाइम लेता है, तो आपको माउस कभी हाथ नहीं दुखाएगा या आप इरिटेट नहीं होंगे। उसमें इतना कंफर्टेबल ग्रिप है, आपके थंब बिल्कुल परफेक्टली उसमें पड़ा हुआ होता है, तो आप लॉन्ग टाइम काम कर सकते हो भाई, आपको ये माउस तंग नहीं करने वाला। अभी बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो भाई Logitech ने इसमें बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया
हुआ, इतना VIP डिजाइन दिया हुआ है कि वो आपको लास्ट करेगा काफी सालों तक। आप एक बार माउस खरीदोगे आपके बहुत साल चल जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि भाई 200 का माउस खरीदा, हफ्ता बाद खराब हो गया, तार निकल गई, आगे पीछे, वो सीन नहीं है भाई। बिल्ड क्वालिटी इसकी प्रॉपर है। आप इसको इंटेंस गेमिंग के लिए यूज कर सकते हो, इंटेंस किसी भी ऑफिस वर्क के लिए, एडिटिंग के लिए, ये आपको चलेगा, काफी टाइम चलेगा। तो अभी बात करते हैं इसके स्क्रॉल व्हील के ऊपर। भाई मैं तो हैरान हो गया था, मैंने गलती से उसको घुमाया, वो तो घूमते ही जा रहा था। तो भाई मैंने बाद में पढ़ा कि यार ये इन लोगों ने एक ऐसा स्क्रॉल व्हील दिया हुआ है जो कि आप घुमाते हो तो बस वो घूमते ही जाता है। भाई आपको बहुत सारी चीजों में ये काम आएगा। अगर आपको नहीं चाहिए आप इसका लॉक लगा सकते हो और सादा माउस की तरह ये नॉर्मल हो जाएगा, पर अगर आपको इसके मजे लेने हैं तो भाई ये अनलिमिटेड घूमते ही जाएगा। तो एंड में हम लोग बात करेंगे इसके लॉजिटेक सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये माउस आप जब पीसी के साथ कनेक्ट करोगे, इसका एक लॉजिटेक का सॉफ्टवेयर आता है, वो जब आप डाउनलोड करोगे इसमें सारी चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हो। कोई भी चीज़ आपने चेंज करनी है, सेटिंग्स, सेंसिटिविटी, कलर्स, DPI, जो भी आपने चेंज करनी है, जितने भी आप एक कीड़े बंदे हो ना, आपको माउस में ये चीज़ वैसी चाहिए तो आपको ये माउस वो चीज़ ऐसी ही करके दे देगा। क्यों? क्योंकि इसके सेटिंग्स में आप सब चीज़ें चेंज कर सकते हो और जो आपके दिल में आए वो आप चीज़ें इसमें सेट कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसकी ऑनबोर्ड मेमोरी के बारे में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। ये माउस आप जब पीसी के साथ कनेक्ट करते हो, इसके साथ अपना एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप इसकी सेटिंग्स, सेंसिटिविटी, कलर्स, DPI सब एडजस्ट करते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये माउस कहीं ले जाऊँ, दोबारा मुझे सेट ना करने पड़े, तो इसमें ऑन बोर्ड मेमोरी का ऑप्शन दिया गया है लॉजिटेक वालों की तरफ से। आपने एक बार सेटिंग बना ली, वो आपने माउस में अपलोड कर दी, अब वो सेटिंग आपके माउस में ही रहेगी। आप कल को जाके ये माउस किसी और पीसी में लगाओगे, वो सारी सेटिंग्स खुद ब खुद अप्लाई हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं भाई ऑन बोर्ड मेमोरी। तो भाई ये था हमारा रिव्यू Logitech G502 माउस के बारे में। बहुत सिंपल वर्ड्स में हमने इसको एक्सप्लेन किया है ताकि आप समझ सकें और आपको आसान भाषा में समझ आ जाए कि भाई ये चीज़ असल डील क्या है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी और आपको रिव्यू मजे का लगा होगा। कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताना कि आपका फेवरेट माउस कौन सा है, और अगर किसी भाई ने ये माउस खरीदना हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो भाई आई होप सो आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।